अमित शाह जी दूरबीन लगा के देखिए, दूरबीन चौधरी चरण सिंह के नाम पे आपने एक योजना बनाई हो तो बताइए, नहीं बनाई गई। ये जो नौजवानों की भीड़ आई है, इन्हें नौकरी नहीं मिल रही कहीं, और बता दूं नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी भी नहीं होगी। इन लोगों का बस चलेगा तो कुंवारे रह जाओगे इनकी तरह। योगी जी कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था सुधार दी, कानून व्यवस्था सुधार दी, लेकिन हालात ये हैं, रोज आप अखबार देखोगे तो इतनी लूट हुई, उतनी लूट हुई, और हमारे यहां हर दो घंटे में महिला के साथ रेप हो रहा है, हर 90 मिनट में बच्ची के साथ रेप हो रहा है। बाबा जी को कुछ अता पता नहीं है, बाबा जी बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते, बाबा जी के आगे फाइल रख दी जाती होगी, अधिकारी उनको जैसा समझा देते होंगे बिना फाइल को देखे पढ़े वो हस्ताक्षर कर देते होंगे और बयान दे देते होंगे। इस देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चला रही है, पहली बार उनको यह एहसास दिलाया कि अगर किसानों से लोहा लोगे, अगर किसानों से लोहा लोगे तो हार जाओगे। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। जितने लोग यहां हैं 10 गुना ज्यादा अभी भी सड़कों पे है, आने की कोशिश कर रहे हैं। इससे देश के किसानों के अंदर एक नई उम्मीद जागी। जिस तरीके से किसान मजदूर कमेरा आज इकट्ठा हो रहा है और 23 दिसंबर किसान दिवस, ये तो आपका ही दिन है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 23 दिसंबर के इतने बड़े विशाल आयोजन में, क्योंकि बड़े बड़े आयोजन हुए, कभी मेहम में हुआ, हरियाणा में कई बार, राजस्थान में बड़ी बड़ी सभाएं हुई, सादाबाद में बहुत बड़ी सभा हुई थी, मेरठ की धरती में बहुत बड़ी सभा हुई थी। अक्सर 23 दिसंबर को हम लोग इकट्ठा होते थे, चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि देते थे और आगे के रास्ते पे चर्चा किया करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज 23 दिसंबर का इतना विशाल आयोजन, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि अलीगढ़ की इगलास, इसे मिनी छपरौली का नाम आप देते थे, लेकिन आज 23 दिसंबर में पहली बार आयोजन हो रहा है जिसमें चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी के साथ चलने वाले लोगों के लिए ये भावुक पल होंगे, मेरे लिए भी ये बहुत भावुक पल हैं। मैं तो आपसे ये पूछने आया हूं कि चौधरी अजीत सिंह जी को आपने इतने करीब से देखा, भरपूर सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, जिस तरीके से आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला करते थे, क्या आप मेरा साथ और सहयोग और आशीर्वाद मुझे दोगे कि नहीं दोगे? लखनऊ में अखिलेश जी बैठे हैं, उन्हें भी आज यहां आना था, वो नहीं आ सके, लेकिन ये सबको एहसास हो गया होगा कि जब हमने और उन्होंने हाथ मिलाया है, ये चौधरी चरण सिंह जी का पुराना समीकरण लौटाने के लिए हाथ बढ़ाया है, और ये तो आगे इस रास्ते पे होगा, कहीं वो काम संभालेंगे, कहीं मैं संभालूंगा, कहीं दोनों मिलकर संभालेंगे, ये साझी लड़ाई है। और आपको एक सूचना देना चाहता हूं, क्योंकि आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी की
वे बात याद करो जो कहते थे किसानों को कि एक आंख अपने खेत पे रखते हो तो दूसरी आंख दिल्ली और लखनऊ यानी अपनी राजनीति पे रखा करो। चौधरी चरण सिंह जी की विशाल विराट विरासत को संभालने के लिए और देश के किसान को सम्मान दिलाने के लिए आज लखनऊ से माननीय अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। उन्होंने मांग की है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्या आप सहमत हो? सहमत हो तो हाथ उठा के बताओ सहमत हो। वैसे देश का किसान, देश का हर व्यक्ति उन्हें अनमोल रत्न मानता है। मैं भी क्योंकि उस परिवार से आता हूं, मेरी कुछ सीमा है, मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी ने वकालत की है, आज रात को लखनऊ में योगी बाबा को और दिल्ली में मोदी जी को नींद नहीं आने वाली। इन लोगों ने चौधरी साहब को सम्मान नहीं दिया, इन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए किसानों को तरह तरह के झूठे वादे किए थे। 2017 के चुनाव में अमित शाह जी आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि हम किसानों के हित के लिए, किसानों के विकास के लिए एक नया कोष स्थापित करेंगे और चौधरी चरण सिंह सम्मान योजना बनाएंगे और जितने करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, 1500 करोड़ चाहिए, 15000 करोड़ चाहिए, हम देंगे। कहां है वो योजना? अमित शाह जी दूरबीन लगा के देखिए, दूरबीन। चौधरी चरण सिंह के नाम पे आपने एक योजना बनाई हो तो बताइए, नहीं बनाई गई। 7 दिन में नया साल आ जाएगा 2022। 2022 के लिए क्या बोले थे मोदी जी ने? कहा था मित्रों 7 साल में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। अब आ गई 2022, किसी की आय दुगनी हुई है क्या? हमें और आपको पता है किसी की आय दुगनी नहीं हुई। लेकिन मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगा। चौधरी चरण सिंह जी की बहुत बड़ी ताकत थी, दिमाग उनका अर्थशास्त्री का था और दिल उनका किसान का था। वे गांव की भाषा बोल लेते थे, समझ लेते थे और अंग्रेजी में किताब लिख लिया करते थे और कई बार भाषण में वो आंकड़े दिया करते थे। हो सकता है कि उनके भाषण को सुनने वाले लोगों को उनके आंकड़े सारे समझ में नहीं आते हो, लेकिन चौधरी साहब अपना फर्ज मानते थे कि गांव में, गांव के गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी देश के मुख्यधारा में पहुंचाना है तो देश के मुद्दे गांव तक पहुंचाने होंगे। ये चौधरी चरण सिंह जी मानते थे और उन्हीं की तरह अगर हमें काम करना है, मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं। क्योंकि अब तो देख रहे हैं रेडियो पे, टेलीविजन में, अखबारों पे पूरे पूरे अखबार पाट दिए योगी जी ने, एडवर्टाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब किसान खुशहाल हो गए, किसान की आय दुगनी हो गई। मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। आज देश की प्रति व्यक्ति औसत आय 86,659 रुपए है, 86,659 रुपए प्रति व्यक्ति देश भर की आय है और उत्तर प्रदेश की 41,023 रुपए, आधे से भी कम पे हो, आधे से भी कम पे। पूर्व की सरकार जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे 2016 और 17 में, वो 5 साल आप देखेंगे तो हमारे प्रदेश की जीडीपी का प्रगति दर यानी घरेलू उत्पाद, कुल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी कहते हैं, औसतन 5 साल में
2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 6.9% का प्रगति दर था और योगी जी बाबा जी के राज में 1.9 रह गया, 1.9। ये सब क्यों है? क्योंकि बाबा जी को कुछ अता पता नहीं है। बाबा जी बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते, बाबा जी के आगे फाइल रख दी जाती होगी, अधिकारी उनको जैसा समझा देते होंगे बिना फाइल को देखे पढ़े वो हस्ताक्षर कर देते होंगे और बयान दे देते होंगे। योगी जी बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, देश की वित्तीय हालत और उत्तर प्रदेश की वित्तीय हालत योगी बाबा के राज में बेहद खराब हो चुकी है। साधारण किसान परिवार आज गुजारा नहीं कर सकता। हमारे जो नौजवान, ये जो नौजवानों की भीड़ आई है, इन्हें नौकरी नहीं मिल रही, कहीं नौकरी नहीं मिल रही। और बता दूं, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी भी नहीं होगी। इन लोगों का बस चलेगा तो कुंवारे रह जाओगे इनकी तरह। और शादी करानी है तो नौकरी चाहिए। मैं एक और आंकड़ा दे रहा हूं नौजवानों को। 2012 में जो आईटीआई का सर्टिफिकेट लेते हैं, जो टेक्निकल डिप्लोमा लेकर बच्चे नौकरी हासिल करने की कोशिश करते हैं, 2012 में 13% बेरोजगार थे। 13% भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वही आंकड़ा 2019 में 67% तक बढ़ गया। यानी आईटीआई में आपके पास डिप्लोमा है, महंगी डिग्री बच्चों के पास है, लेकिन 67% बच्चे, उनके पास कोई नौकरी नहीं, जीविका का कोई आधार नहीं है। कितने बच्चे हमारे इंजीनियरिंग कर चुके, एमबीए कर चुके और आज खेत में जाके मजबूर हैं कि खेती करनी पड़ रही है। हमारा साधारण किसान परिवार हजारों का बिजली का बिल आता है, हजारों का बिजली के बिल चुका नहीं पा रहे लोग। बिजली का बिल चुकाया जा रहा है क्या? जो मजदूरी कर रहा होगा, जो रिक्शा चलाएगा, जो ढकेल लेके चल रहा होगा, जो रोड, वो क्या हजारों का बिजली का बिल चुका सकता है? लेकिन योगी जी का प्रचार है, योगी जी कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था सुधार दी, कानून व्यवस्था सुधार दी। लेकिन हालात ये हैं, रोज आप अखबार देखोगे तो इतनी लूट हुई, उतनी लूट हुई, और हमारे यहां हर 2 घंटे में महिला के साथ रेप हो रहा है, हर 90 मिनट में बच्ची के साथ रेप हो रहा है। ये अश्लील हरकतें हो रही हैं। हाथरस में जो हुआ, रात के अंधेरे में परिवार को वो मौका नहीं दिया कि अपने बेटी के अंतिम दर्शन कर सके। वे जाहिल लोग जिन्होंने वो कृतकार्य किया, वे जाहिल लोग जो सेंगर को बचाने में जुटे थे, जो हाथरस के अपराधियों को बचाने में जुटे थे, उन जाहिल लोगों की पहचान कर लो। मोदी जी कहते हैं कपड़ों से पहचान होती है, मैं तो कहता हूं आप उनकी भी पहचान कर लो। तुम लोग, वे लोग भी गोरखपुर और लखनऊ में बैठे हैं, वही लोग थे। गुंडों को भगाएंगे? चौधरी चरण सिंह जी का राज याद होगा आपको, मैंने तो इनकी लाठी खाई पुलिस वालों की, लेकिन पुलिस वालों से मेरा कोई बैर नहीं है। और अगर अगले 16 भी खानी पड़ेंगी तो खाऊंगा। लेकिन वर्दी पहनने वालों का ख्याल रखेंगे हम। चौधरी चरण सिंह जी, 1960 में सीबी गुप्ता की सरकार चल रही थी और चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे।
किस तरह का शासन उन्होंने चलाया, वो ख्याल रखते थे और उन्होंने बात को का समर्थन दिया कि पुलिस की वर्दी पहनने वाले इन जवानों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। जब उनको दबाव बनाया गया कि नेताओं के विरुद्ध मुकदमे वापस ले लीजिए चौधरी साहब, चौधरी साहब ने इनकार कर दिया, चौधरी साहब ने इनकार कर दिया। और वही योगी जो मुख्यमंत्री बने, पहला काम किया अपने के खिलाफ, उनके खिलाफ, खुद के खिलाफ जो संगीन धाराएं थी, जो संगीन मुकदमे दर्ज थे, योगी जी के खिलाफ दंगा भड़काने का मुकदमा दर्ज था, वे मुकदमे उन्होंने खुद लौटा दिए, खत्म कर दिए। ऐसे मुख्यमंत्री क्या गुंडों से आपको छुटकारा दिला सकते हैं? चौधरी चरण सिंह जी को मजबूर होना पड़ा और 1962 में मुख्यमंत्री ने उनसे त्याग पत्र मांगा और चौधरी चरण सिंह जी ने कुर्सी को लात मार दी, लेकिन अपने असूल को नहीं त्यागा। चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेना आसान है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल काम है। और जो भाजपाई हैं, उनके लिए तो असंभव काम है, वो नहीं कर सकते। तो भाइयों, अपनी सरकार बनाओ। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, इन नौजवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, समय पर आपकी भर्ती खुलेगी, समय पर आपकी भर्ती होगी। और लोकदल ने तो ऐलान कर दिया है सरकार बनेगी साजी, लेकिन मेरी नजर अलीगढ़ के नौजवानों पे होगी। 1 करोड़ प्रदेश के नौजवानों को 5 साल में हमें नौकरी दिलानी है, 1 करोड़। आज 23 दिसंबर है और अखिलेश जी से भी मैंने बात की है, वे भी अपना मैनिफेस्टो जल्द जारी करेंगे, लेकिन एक घोषणा मैं करना चाहता हूं। अगले साल जब 23 दिसंबर आएगी और लोकदल और सपा की सारी सरकार लखनऊ से काम कर रही होगी, तो किसानों को जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना में केंद्र की सरकार 6,000 देती है, हम 12,000 दिलाने का काम करेंगे, यही 23 दिसंबर। अगला साल यही 23 दिसंबर को। तो अगर ये दिन देखना चाहते हो तो आप आशीर्वाद दोगे, एक गिलास की बहुत प्रसिद्ध चमचम है मिठाई, एक गिलास क्षेत्र का विधायक जिताओ। लखनऊ में हमारे गठबंधन के विधायक जिताओ, पहुंचाओ, किसान और नौजवान की सरकार बनाओ और तब मैं अलीगढ़ की और एक गिलास की चमचम खाऊंगा। खिलाओगे? चाहे डायबिटीज हो जाए खाऊंगा जरूर। अब समय बहुत कम रहता है, मैं आज इस अवसर पर जिन किसानों ने लंबा संघर्ष किया उनको याद करना चाहता हूं, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, आज किसान घाट पे हमने हवन किया, देश की संसद में चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर लगी है उस पे पुष्पांजलि करके मैं आपके बीच आ रहा हूं। और किसान घाट पे किसान आंदोलन के जो लोग शामिल थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर जो उन पर दबाव बन जाएगा, वे लोग वहां पहुंचे थे, हम और वे मिलकर लड़ेंगे जो किसान विरोधी ताकतें उनको खाड़ फेंकने के लिए। हमारे अलीगढ़ में गोंडा में लगातार किसान आंदोलन चलता रहा, उस आंदोलन में शामिल होने वाले प्रत्येक किसान को मैं देश के किसानों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह की आवाज बनके आपने पहली बार ये देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चला रही है, पहली बार उनको यह एहसास दिलाया कि अगर किसानों से लोहा लोगे, अगर किसानों से लोहा लोगे तो हार जाओगे, पहली बार। और मैं तो कह सकता हूं मोदी जी ने तो कभी अपने घर में भी माफी नहीं मांगी होगी,
मोदी जी ने नोटबंदी के बाद भी माफी नहीं मांगी और माफी मंगवाई है। ये जीत आपकी है, ये खून पसीना आपका है और आपका पूरा सम्मान हम लोग करेंगे। हमारी सरकार बनेगी, जो जो किसान शहीद हुए इस आंदोलन में, जिस तरह सेना का जवान जब शहीद होता है उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, हमारी लखनऊ में सरकार बनेगी उन किसानों को भी हम शहीद का दर्जा देंगे और उनके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। तो साथ मिलकर नारा लेंगे, किसान मजदूर एकता भाईचारा, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।